आप सभी वाणिज्य अर्थात कॉमर्स के स्टूडेंट का हमारे YouTube चैनल वाणिज्य की पाठशाला में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं बीकॉम एंट्रेंस सीरीज में बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू। इसके पहले के जो वीडियोस हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है, और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। ये किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में बीकॉम प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रबंध के नियंत्रण कार्य में समाहित है, यहां ऑप्शन अवेलेबल है नियोजन, पी है संगठन, सी है नियुक्तिकरण, डी है अभिप्रेरण और ई है उपरोक्त सभी। तो प्रबंध के नियंत्रण कार्य में समाहित है नियुक्तिकरण, इसका आंसर होगा नियुक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर टू, उपरिगामी संचार प्रवाहित होता है, ऑप्शन दिया गया है ऊपर से नीचे की ओर, बी है नीचे से ऊपर की ओर, सी है दोनों ही प्रकार से, डी है कोई नहीं। तो उपरिगामी संचार प्रभावित होता है नीचे से ऊपर की ओर, इसका आंसर होगा नीचे से ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री, नियंत्रण कार्य का प्रमुख प्रयोजन है, ऑप्शन है दोषी का दंडित करना, बी है दोषी पर निगरानी रखना, सी है उपचारात्मक कार्यवाही करना और डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपचारात्मक कार्यवाही करना। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नांकित में से किस प्रकार के संगठन में अधीनस्थ को एक से अधिकतम उच्चाधिकारी के अधीन कार्य करना होता है, ऑप्शन है रेखा संगठन, बी है रेखा तथा स्टाफ संगठन, सी है क्रियात्मक संगठन। तो इसका आंसर होगा क्रियात्मक संगठन। क्वेश्चन नंबर फाइव, टेलर द्वारा विकसित क्रियात्मक संगठन की मुख्य कमी है निम्न को मान्यता देने में विफल रहना, ऑप्शन है पद सोपान श्रृंखला, बी है समता का सिद्धांत, सी है आदेश की एकता का सिद्धांत, डी है सहयोग का सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा आदेश की एकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आदेश की एकता का उल्लंघन किसमें होता है, ऑप्शन है रेखा संगठन में, बी है रेखा तथा स्टाफ संगठन में, सी है क्रियात्मक संगठन में। तो आदेश की एकता का उल्लंघन क्रियात्मक संगठन में होता है, इसका आंसर होगा क्रियात्मक संगठन। क्वेश्चन नंबर सेवन, अधिकार सत्ता के भरार्पण की प्रक्रिया में प्रबंधक का उत्तरदायित्व, ऑप्शन है ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी उसके उत्तरदायित्व पर कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा घटेगा, मतलब अधिकार सत्ता के भरार्पण की प्रक्रिया में प्रबंध का उत्तरदायित्व कम होगा यानी घटेगा। क्वेश्चन नंबर एट, समता सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को अभिप्रेरणा नहीं मिलेगा जब, ऑप्शन है पुरस्कार उपेक्षा से कम हो, बी है जब पुरस्कार आनुपातिक न हो, सी है ए और बी दोनों, और जो लास्ट ऑप्शन डी है वो है कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा पुरस्कार उपेक्षा से कम, मतलब समता सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों का अभिप्रेरण नहीं मिलेगा जब पुरस्कार उपेक्षा से कम होगा तब। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्नांकित में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंश है, ऑप्शन है समस्या की पहचान, बी है समस्या का विश्लेषण, सी है उद्देश्य तथा अपेक्षित, डी है वैकल्पिक समाधानों का विकास। इसका आंसर होगा उद्देश्यों तथा अपेक्षित। क्वेश्चन नंबर टेन, अभिप्रेरण का प्रत्याशा सिद्धांत के अंतर्गत अभिप्रेरणा में वृद्धि कब होगी या कब होती है, ऑप्शन है संयोजकता बढ़ने पर, बी है संयोजकता घटने पर, सी है संयोजकता के अप्रभावित होने पर। तो इसका आंसर होगा संयोजकता बढ़ने पर। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ही बना हुआ है। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।